आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इस बार गेहूं की कीमतों में प्रति क्विंटल 500 रुपए तक का उछाल आया है। छत्तीसगढ़ में 2200 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाला गेहूं 2500 से 4500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। अनाज कारोबारियों के मुताबिक यदि भारत सरकार गेहूं के निर्यात पर रोक नहीं लगाती तो इसकी कीमतें और ज्यादा बढ़ जाती। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में गेहूं से जुड़े उत्पादक जैसे कि ब्रेड, बिस्किट आदि की कीमतों में उछाल आएगा। दरअसल रूस और यूक्रेन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश हैं। युद्ध की वजह से इसकी सप्लाई प्रभावित हुई। यही वजह है कि एक्सपोर्टर्स ने किसानों को ज़्यादा कीमत देकर गेहूं की खरीदी कर ली थी। इस वजह से भी गेहूं महंगा हुआ। वहीं बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को थोड़ा नुकसान। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 सालों में गेहूं का रकबा 1 लाख से बढ़कर 2.25 लाख हेक्टेयर हो गया है। इस साल 3.25 लाख हेक्टेयर गेहूं की खेती हुई थी। सिर्फ 4 जिलों जैसे कि राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग क्षेत्र में देखें तो गेहूं की खेती का रकबा 3 सालों में 3 गुना बढ़ गया। इन सब के बावजूद गेहूं उत्पादक किसान को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ नहीं मिलता था। अधिकारियों का कहना है कि गेहूं रबी की फसल है और राज्य सरकार खरीफ की फसलों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ दे रही है। इससे रबी की फसल लेने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। बता दें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ की लगभग सभी फसलों में इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। वहीं धान के बदले अन्य फसल देने पर यह सब्सिडी बढ़ जाती है। इसी सब्सिडी की वजह से प्रदेश में धान की कीमत 2500 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक हो जाती है। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की तर्ज पर गेहूँ की सरकारी खरीद नहीं होती है। यहाँ गेहूँ की पैदावार अपेक्षाकृत कम है, लेकिन इस बार जिन किसानों ने अपने खेत में गेहूं बोया था उन्हें उसकी की अच्छी कीमत मिली है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यह अनुमान पहले ही लग गया था कि दुनिया भर में इसे लेकर संकट हो सकता है। इसका फायदा उठाते हुए एक्सपोर्टर्स ने इस बार सीधे किसानों से ही संपर्क किया और MSP से अधिक कीमत देकर उनका गेहूँ खरीद लिया। वर्तमान में गेहूँ का MSP 2015 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन किसानों को 2100 से 2200 रुपए क्विंटल मिला है, जो किसानों के लिए काफी अच्छा भी है। वहीं दूसरी ओर सरकार के गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद किसानों ने गेहूं को स्टॉक करना शुरू कर दिया। वैसे तो अधिकतर किसानों ने अपना गेहूं व्यापारियों को बेच दिया है और अब ज्यादातर स्टॉक व्यापारियों के ही पास है। जो थोड़ा बहुत स्टॉक किसानों के पास है वह उन्होंने या तो होल्ड कर लिया है या फिर अपनी जरूरत के लिए बचा के रखा है। यही कारण है कि गेहूं खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।